आज का टॉपिक है डेहलग्रेन्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। इंट्रोडक्शन। रॉल्फ डेहलग्रेन कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के बॉटनिकल म्यूजियम में प्रोफेसर थे। उन्होंने मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हुए 1980-81-83 में एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया। इनका क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक था। इनका क्लासिफिकेशन एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी आदि पर बेस्ड था। सैलिएंट फीचर ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनके अकॉर्डिंग फ्लावरिंग प्लांट्स का कोई भी एक्सटिंक्ट ग्रुप किसी अन्य प्रेजेंट डे ग्रुप का पूर्वज नहीं था। सेकंड, मैग्नोलियेसी रैननकुलेसी स्टॉक अन्य फ्लावरिंग प्लांट्स का पूर्वज नहीं है, अपितु इनमें ओनली प्रिमिटिव कैरेक्टर्स अधिक संख्या में प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म की ओरिजिन हुई है तथा यह ओरिजिन मोनोफाइलेटिक है। मैग्नोलिफ्लोरी डाइकॉट में सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है व मोनोकॉट में एलिसमेटिफ्लोरी सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है। डेहलग्रेन सिस्टम में एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोप्सीडा के अंतर्गत रखा गया है। मैग्नोलियोप्सीडा क्लास को दो सब क्लास मैग्नोलिडी में डिवाइड किया गया है, जिसमें मैग्नोलिडी के अंतर्गत 25 सुपर ऑर्डर्स और लिलीडी के अंतर्गत 8 सुपर ऑर्डर्स रखे गए हैं। डेहलग्रेन सिस्टम में सुपर ऑर्डर्स के अंत में सफिक्स फ्लोरी लगा रहता है। डेहलग्रेन सिस्टम के अकॉर्डिंग सुपर ऑर्डर मैग्नोलिफ्लोरी को सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव माना गया है, क्योंकि इनमें अनेक प्रिमिटिव कैरेक्टर्स थे। डाइकॉट मैग्नोलिडी को 25 सुपर ऑर्डर व 85 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। मोनोकॉट लिलीडी को 8 सुपर ऑर्डर व 25 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। यह है डेहलग्रेन के एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोप्सीडा क्लास के अंडर रखा गया है व मैग्नोलियोप्सीडा क्लास को दो सब क्लास मैग्नोलिडी व लिलीडी में डिवाइड किया गया है। फर्दर क्लासिफिकेशन में मैग्नोलिडी के अंतर्गत 25 सुपर ऑर्डर व 85 ऑर्डर्स को रखा गया है एवं लिलीडी सब क्लास के अंतर्गत 8 सुपर ऑर्डर और 25 ऑर्डर्स को रखा गया है। मैग्नोलिडी का पहला सुपर ऑर्डर है मैग्नियोली फ्लोरी, इसके अंतर्गत 9 ऑर्डर्स को रखा गया है। दूसरा सुपर ऑर्डर है निम्फी फ्लोरी, इसके अंतर्गत 2 ऑर्डर को रखा गया है। तीसरा सुपर ऑर्डर है रैननकुली फ्लोरी, इसके अंतर्गत 2 ऑर्डर को रखा गया है। चौथा सुपर ऑर्डर है कैरियोफिली फ्लोरी, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर को रखा गया है। पाँचवा सुपर ऑर्डर है पॉलीगोनी फ्लोरी, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर को रखा गया है। छठवां सुपर ऑर्डर है प्लम्बेजिनी फ्लोरी, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर को रखा गया है। सातवां सुपर ऑर्डर है मालवी फ्लोरी, इसके अंतर्गत 6 ऑर्डर को रखा गया है। आठवां सुपर ऑर्डर है वियोली फ्लोरी, इसके अंतर्गत 6 ऑर्डर को रखा गया है। आठवां सुपर ऑर्डर है थ्री फ्लोरी, इसके अंतर्गत 3 ऑर्डर को रखा गया है। दसवां सुपर ऑर्डर है प्राइमोली फ्लोरी, इसके अंतर्गत 2 ऑर्डर्स को रखा गया है। ग्यारहवां सुपर ऑर्डर है रोजी फ्लोरी, इसके अंतर्गत 15 ऑर्डर्स को रखा गया है। बारहवां सुपर ऑर्डर है पोडोस्टेमी फ्लोरी, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर को रखा गया है। तेरहवां सुपर ऑर्डर है प्रोटी फ्लोरी, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर को रखा गया है। चौदहवां सुपर ऑर्डर है मायरी फ्लोरी, इसके अंतर्गत 4 ऑर्डर को रखा गया है। पंद्रहवां सुपर ऑर्डर है फैबी फ्लोरी, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर को रखा गया है। सोलहवां सुपर ऑर्डर है रूटी फ्लोरी, इसके अंतर्गत 6 ऑर्डर्स को रखा गया है। सत्रहवां सुपर ऑर्डर है सेंटेली फ्लोरी, इसके अंतर्गत 3 ऑर्डर को रखा गया है। अठारहवां सुपर ऑर्डर है बेलोनो फ्लोरी फ्लोरी, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर को रखा गया है। 19वां सुपर ऑर्डर है एरालीफ्लोरी, इसके अंतर्गत 2 ऑर्डर्स को रखा गया है।
20वां सुपर ऑर्डर है एस्टेरीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत दो ऑर्डर को रखा गया है। 21वां सुपर ऑर्डर है सेलेनीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत दो ऑर्डर्स को रखा गया है। 22वां सुपर ऑर्डर है कार्निफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 6 ऑर्डर्स को रखा गया है। 23वां सुपर ऑर्डर है लोजलीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर को रखा गया है। 24वां सुपर ऑर्डर है जेंटिएनीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 3 ऑर्डर्स को रखा गया है। 25वां सुपर ऑर्डर है लैमीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 4 ऑर्डर्स को रखा गया है। क्लास मैग्नोलियोप्सिडा का दूसरा सब क्लास है लिलीडी, इसमें 8 सुपर ऑर्डर्स और 25 ऑर्डर्स आते हैं। मैग्नोलिडी के अंतर्गत डाइकॉट्स आते हैं व लिलीडी के अंतर्गत मोनोकॉट्स आते हैं। लिलीडी का अब हम सुपर ऑर्डर्स को देखते हैं। लिलीडी का पहला सुपर ऑर्डर है एलिसमेटीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 3 ऑर्डर्स को रखा गया है। दूसरा सुपर ऑर्डर है ट्रायूरिडीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर को रखा गया है। तीसरा सुपर ऑर्डर है एराइफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर को रखा गया है। चौथा सुपर ऑर्डर है लिलीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 5 ऑर्डर्स को रखा गया है। पांचवा सुपर ऑर्डर है ब्रोबेलीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 6 ऑर्डर्स को रखा गया है। छठवा सुपर ऑर्डर है जिंजिबेरीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर को रखा गया है। छठवा सुपर ऑर्डर है जिंजिबेरीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 1 ऑर्डर को रखा गया है। सातवा सुपर ऑर्डर है कमेलिनीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 5 ऑर्डर्स को रखा गया है। आठवा सुपर ऑर्डर है एरेसीफ्लोरिन, इसके अंतर्गत 3 ऑर्डर्स को रखा गया है। नेक्स्ट आता है मेरिट्स ऑफ डेहलग्रेन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। डेहलग्रेन सिस्टम फाइलोजेनेटिक है व डाइकॉट को मोनोकॉट से प्रिमिटिव माना गया है। दूसरा मेरिट है इसका, डेहलग्रेन ने अपने क्लासिफिकेशन को एक फाइलोजेनेटिक श्रप के रूप में इलस्ट्रेट किया, जिसमें ऑर्डर्स के बीच रिलेशनशिप को दिखाया गया है। नेक्स्ट मेरिट है, इनका क्लासिफिकेशन तख्ताजन क्लासिफिकेशन का मॉडिफाइड वर्जन है। अगला मेरिट है, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी आदि से संबंधित डाटा पर इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड है। नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला डीमेरिट है, इनके क्लासिफिकेशन में अनेक अननेचुरल ऑर्डर व सुपर ऑर्डर बनाए गए हैं। अगला डीमेरिट है, इन्होंने जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म की पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन को नकार दिया। नेक्स्ट डीमेरिट है, इनके अकॉर्डिंग 8 न्यूक्लियोट एम्ब्रियोसेक एंडोस्पर्म की ओरिजिन फ्री फॉर्म में हुई है। अगला डीमेरिट है, मैग्नोलिडी के कैरेक्टर में डाइवर्सिटी इनके पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन को दिखाती है।